तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, टेक्निकल एस के चैनल में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीवो फोन के लिए न्यू रिवर थीम्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि कैसे आप इस थीम्स को अप्लाई कर सकते हो, कैसे यूज कर सकते हो, और देखने में गाइस बहुत ही अच्छी थीम्स है और बहुत ही नई थीम्स है, ये आप लोगों को काफी ज्यादा पसंद आएगी। तो वीडियो को जरा भी स्किप मत करेगा, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस देखिए, सबसे पहले मैं आपको थीम्स का रिव्यू करा देता हूँ, अप्लाई करके आपको दिखा देता हूँ। अप्लाई करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा गाइस, ठीक है, कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। देख सकते हैं आइकन जो है वो बहुत ही ज़्यादा नए हैं और बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं गाइस। आइकन आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएंगे, देख सकते हैं कितने ज़्यादा अच्छे आइकन आपको लग रहे हैं। और लुक की बात करते हैं तो लुक भी बहुत अच्छा लुक हमारे फ़ोन को दे रही है गाइस ये थीम्स, तो जिसकी वजह से मेरा जो फ़ोन है काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक है। किसी भी आइकन में कोई भी बक्स वगैरह आपको देखने को नहीं मिलेगा गाइज, बहुत ही ज़्यादा अच्छे आइकन लग रहे हैं। इसके साथ गाइज जब बात करें इसके शॉर्टकट सेंटर्स की, तो कुछ इस तरीके का आपको मिल जाएगा जो कि पहले भी काफ़ी थीम्स में आपको मिल चुका है। बट उसके बाद गाइज बैटरी वैक की बात करें तो बैटरी कुछ इस तरीके की आपको मिल जाएगी। प्लस बात करते हैं नोटिफिकेशन पैनल की, तो यहाँ पर आपको गाइज कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा जो कि काफ़ी अच्छा है। देख सकते हैं नोटिफिकेशन पैनल वॉलपेपर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है और बहुत ही अच्छा लुक हमारे फ़ोन को दे रहा है। इसके बाद गाइज बात कर लेते हैं इसकी सेटिंग्स और डायलर की, तो डायलर आपको ये वाला मिल जाएगा, सेटिंग्स आपको कुछ इस तरीके की मिल जाएगी। और बात करते हैं इसके व्हाट्सएप की, तो व्हाट्सएप आपका चेंजेस हो जाएगा रेड कलर में, ठीक है, तो रेड कलर में आपका कुछ इस टाइप का व्हाट्सएप आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं गाइज इसके मैसेंजर वगैरह होगा, तो मैसेंजर वगैरह आपके पूरी तरीके से चेंजेस हो जाएंगे। अब बात करते हैं इसकी लॉक स्क्रीन की, तो गाइज लॉक स्क्रीन में आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। लॉक स्क्रीन में कुछ इस तरीके का आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा, देख सकते हैं बहुत ही प्यारा वॉलपेपर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा गाइज, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। देख सकते हैं कितना प्यारा वॉलपेपर और टाइमिंग वगैरह काफ़ी अच्छा है। लेकिन गाइज इसमें आपको चार्जिंग एनिमेशन नहीं मिलेगा, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे कितनी प्यारा लुक हमारे फ़ोन को दे रही है, देखने में भी काफ़ी अच्छी है थीम्स लग रही है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं गाइज इस थीम्स को अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए गाइज आपको डिस्क्रिप्शन में थीम्स का लिंक मिल जाएगा और फाइल मैनेजर का भी, अगर आपको अप्लाई करना आता है तो सिंपल आप अप्लाई कर सकते हो, अगर अप्लाई करना नहीं आता तो डिस्क्रिप्शन में आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी कि अप्लाई कैसे करें, डाउनलोड कैसे करें, सारी चीज़ आपको अच्छे से समझ आएंगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है वीडियो थीम्स को यूज़ करने में, तो गाइज प्लीज़ यार एक बार डिस्क्रिप्शन पढ़ लेना, आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।